हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द ऑर्गेनिक टी। तो ऑर्गेनिक जो टी है मेरे पास वो है तुलसी ग्रीन टी क्लासिक। ओके, इस टाइप की होती है ये, इस टाइप की होती है ये, और इस टाइप की होती है, मतलब बहुत सारे पैकेट्स हैं मेरे पास इसके, और इस टाइप की भी होती है तुलसी ऑर्गेनिक। और ये ओरिजिनल टी है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक टी है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, और जो बाकी टीज आती हैं ग्रीन टी, सो ये भी एक ग्रीन टी है। तो देखिए इस तरह के पैकेजिंग में भी आती है, इसके छोटे पैकेट्स भी आते हैं, और इस तरह के पैकेट्स आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आए थे 15 पैकेट्स आए थे इस तरीके के। एंड इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ अभी। 15 पैकेट्स की कॉस्ट होती है 148। ये देखिए 148 जो होती है इसकी कॉस्ट होती है। बाकी जो इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 230, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी का 100 ग्राम्स का है, क्योंकि इसमें आती है इस तरह की, सॉरी एक्चुअली अभी पैक्ड है, इसमें खुल नहीं रहा है, तो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। इस तरह की पैकेजिंग में आती है, इसकी पैकेज काफ़ी अच्छी होती है, और मतलब टी की तरह ही होती है, हल्की ग्रीन टी की तरह। तो अभी देखिए आपको इसको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, कैसे आप इसको ले सकते हैं, वैसे क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं। वैसे इससे कोई ऐसे वेट लूज नहीं होता है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, रनिंग वगैरह करनी पड़ती है। ये केवल अच्छी होती, बेनिफिट्स देती है आपके बॉडी को। सो फ्रेंड्स, तुलसी ग्रीन टी कॉन्टेन नेचुरल हर्ब्स एंड गुड फॉर हेल्थ, जो कि बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है फॉर द हेल्थ, और बहुत अच्छा टेस्ट है, रिफ्रेशिंग इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बहुत सारे सपोर्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, हेल्प फाइट इलनेस, कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, पावरफुल अडेप्टेशन, और रिड्यूस स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है ये, बिल्ड स्टैमिना के लिए अच्छा है, इम्प्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो काफ़ी अच्छे हैं ये, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप ये सोचें कि इससे फैट बर्न होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए जो करना आपको फॉलो करना पड़ता है फैट बर्न करने के लिए। बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बाकी जो भी ग्रीन टीज होती है उसके हिसाब से, आई थिंक जो मैं सोचती हूँ, मेरे हिसाब से इसका टेस्ट काफ़ी बेटर है। उसमें तुलसी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं। जो मैंने यहाँ पे कप पानी ले लिया है, 2 कप, ये छोटे कप हैं इसलिए मैंने 2 कप ले लिया है। तो यहाँ पे पड़ी हुई है टी, तो मैं यहाँ पे पैकेट यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। जो आप पैकेट यूज़ करते हैं तो आपको छलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऐड कर लेती हूँ चीनी, और आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं हनी, लेकिन हनी ऐड करना होता है बाद में, लास्ट में जब आप मतलब कप में डाल लेते हैं तब भी आप हनी यूज़ करना होता है, पहले हनी यूज़ ना करें। तो अभी देखिए मैं इसमें डाल लेती हूँ चीनी, आपके अकॉर्डिंग जितना आप लेते हैं। इसमें डाल दी है मैंने चीनी, और जो बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स बचे हैं, तो मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके बेनिफिट्स होते हैं, बट नॉट फॉर द फैट बर्न। तो इस तरह की देखिए पैकेजिंग में आया है, मैंने इसको खोल लिया है, मैं इसको डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है इसमें मिक्स होने में। अगर आप ये सोचें कि गर्म पानी के अंदर इसको डाल दें तो ये काफ़ी टाइम लेगा और अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसलिए जब भी पानी में बॉयल करती हूँ इसमें डाल देती हूँ। तो ये आपको दिखाती हूँ, मैं नया पैकेट खोल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसकी पॉली है। तो देखिए इसकी पैकेजिंग मैंने आपको खोल के दिखा दी है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसकी लिड को। तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है इसकी, काफ़ी मतलब अच्छी एयर टाइट पैक्ड होता है ये, अच्छा होता है। तो एक पैकेट मेरे पास खुला हुआ है पहले से ही, तो मैं अब इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की पैक है ये, और इसमें ख़त्म हो चुके हैं। तो जो ये पैकेट है, अभी देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ये सेम ऐसे चाय पत्ती की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है दूसरे मतलब पत्तियाँ जैसी होती हैं ग्रीन कलर की। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं इस चाय में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इसको, और जैसे चाय मतलब बॉईल करते हैं ना, उस सेम टू सेम ऐसे बॉईल करना होता है इसको। और बट इसमें छलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छानना पड़ता है आपको, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते। तो इसमें लिखा है देखिए, स्ट्रेस रिलैक्सिंग है ये, और फ्रेशनर देता है आपको, तो इसमें लिखी है इसकी क्वालिटीज़, जब आप इसको ख़रीद के लाएंगे तो आप देख सकते हैं, और बच्चों को इसको दे सकते हैं, क्योंकि कफ एंड कोल्ड में यूज़ होता है, तुलसी का प्रोडक्ट है ये, और बिल्कुल वेजिटेरियन ही है क्योंकि ये तुलसी का है, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है इसमें। तो देखिए चाय जो पानी है मेरा गर्म हो चुका है,
और जो कलर है इसका कलर भी चेंज हो चुका है पानी का, इसका मतलब इसमें बॉईल आ चुका है। तो जब बॉईल आ जाता है इसका मतलब ये प्रिपेयर हो गई है। तो देखिए बन चुकी है, तो गैस में बंद कर लेती हूँ। इसको डाल देती हूँ मैं कप में, तो काफ़ी गर्म है इसलिए मैं ये ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसे सिंपली आपको कप में डाल लेना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कचरा तो होता नहीं है, और जो पैकेट के अंदर होती है ये, तो इसे छलनी की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी गंदगी वगैरह नहीं जाती है। काफ़ी इजी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो अगर आप हनी यूज़ करें तो आप लास्ट में यहाँ पे हनी डाल सकते हैं, 1 स्पून या जितना भी आप ले सकते हैं, 1/2 स्पून एंड 1 स्पून। तो देखिए 2 कप मेरी प्रिपेयर हो गई है तुलसी की ग्रीन टी। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका ग्रीन टी का, और हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।